हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो देखने के बाद, और या वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी सिस ब्यूटी ड्रॉप एंड ग्लो का हाईलाइटर, इल्यूमिनेटर हाईलाइटर का शेड गाइड। बेसिकली ये वीडियो बाद में आनी थी, पहले मेबलिन वाला वीडियो आना था, फाउंडेशंस का कंपैरिजन रिव्यू वीडियो जो मैंने पोल डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मैं बैठ के शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो लाइव कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी, जैसे मैं थोड़ी रिकवर होती हूँ मैं वो वीडियो फटाक से लेके आऊँगी आप सबके लिए, आई होप आप लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने मुझे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सो गाइस, फर्स्ट जो शेड है हमारे पास वो है 01 लाइट पिंक शेड, और ये ऑल इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। अगर आप फेयर स्किन टोन हो, लाइट स्किन टोन हो, मीडियम हो, मीडियम टू डार्कर, डीपर, डस्की, अगर आप कैसी भी स्किन टाइप हो ना, तो लाइट पिंक जो शेड है इस शेड रेंज का, उसका बहुत सुंदर शेड है। तो ये शेड आप ट्राई आउट कर सकते हो अगर आप ऐसे सारे स्किन टाइप्स के हो। अगर आपको चाहिए कि आप पिंक शेड नहीं लेना है आपको, अगर मैं आपको बता देती हूँ पिंक शेड नहीं लेना, तो और भी इसमें सारे शेड्स हैं तो मैं वो आगे आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जो फेयर स्किन टोन पे जिस हिसाब का इल्यूमिनेटर लगेगा वो डीपर या डस्के स्किन टोन पे लगेगा या नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझ लीजिए फेयर स्किन टोन पे जिस हिसाब का वो इल्यूमिनेटर क्रिएट करेगा, दिखेगा, वैसा आपको डीपर एंड डस्के स्किन टोन पे या मीडियम स्किन टोन पे नहीं शो करेगा। वो अलग ही थोड़ा लगेगा, लेकिन वो सुंदर लगेगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। सो यार, चलिए नेक्स्ट शेड के ऊपर बात। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट शेड है ना वो है 02 गोल्ड शेड। ये जो शेड है ये है फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, इवन लाइट स्किन टोन पे अच्छा लगेगा एंड मीडियम स्किन टोन पे भी अच्छा लगेगा। अगर आप मीडियम टू डार्कर स्किन टोन के हो तब भी आपके ऊपर ये शेड बहुत सुंदर लगेगा, 02 गोल्ड शेड। ये जो शेड है ना ये डीपर एंड डस्की स्किन टोन पे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स है और इसमें गोल्ड है, तो जब आप डस्की स्किन टोन वाले इसे लगाएंगे ना तो वो ओवर लगेगा थोड़ा, तो उतना सही नहीं लगेगा अदर शेड के मुताबिक, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप तब भी डार्क स्किन टोन वाले अगर इसे शेड को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, बट बहुत कम मात्रा में आपको इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो अगला शेड है ना वो ऑल स्किन टोन पे जाएगा। अगर आप मेटल शेड यूज़ करते हो, अगर मेटल शेड अगर आप ले रहे हो या आप ले चुके हैं 03 मेटल शेड, तो ये शेड ऑल इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। एंड 04 जो लाइट ब्राउन शेड है ये भी ऑल इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, अगर आप डार्कर और बहुत डीपर स्किन टोन के हो ना और आप ये शेड यूज़ करते हो या यूज़ करना चाहते हो, ये वीडियो देख के लोगे, तो आपको जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम लेनी है अदर्स के मुताबिक। जितना क्वांटिटी फेयर स्किन टोन वाले एंड मीडियम स्किन टोन वाले लेंगे उससे आपको हाफ़ क्वांटिटी में इसे लेके यूज़ करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छा लगे। ये बात अगर आप जब यूज़ करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं कम क्वांटिटी लेने के लिए क्यों कह रही हूँ। तो अब हमारे पास दो शेड बचे हैं तो मैं उसका भी आपको बता देती हूँ। गाइस, हमारा अगला जो शेड है ना वो डार्क स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, कॉपरी शेड। ये जो शेड है ना ये डार्कर स्किन टोन के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगर आप वो सारे शेड्स यूज़ ना करके ये शेड भी यूज़ करना चाहो सिर्फ, तो वो भी बहुत अच्छा शेड है, बट वो आपकी चॉइस है। डार्कर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा शेड है कॉपरी शेड, एंड लाइटर स्किन टोन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये बनाया गया है डार्कर स्किन टोन वालों के लिए। आप चाहें तो आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइज, हमारा जो लास्ट शेड है वो रोज़ गोल्ड शेड, 06 रोज़ गोल्ड शेड। ये ऑल इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि जिन भी लोगों को इस वीडियो की नीड है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। या गाइज, एंड प्रे फॉर मी, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।